हम लोग शुरू करेंगे एक एक्टिविटी से, क्योंकि आज हमने बात करनी है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन. सो व्हाट आई एम गोइंग टू एड्रेस इज नॉट ओनली कम्युनिकेशन इन पर्सन लाइक दिस, इन अ सेटिंग लाइक दिस इन पर्सन, बट ऑल्सो ऑनलाइन. अगर आपको कभी ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी पड़े तो उसके लिए भी ये जो प्रिंसिपल मेथडोलॉजीज और टेक्निक्स मैं शेयर करूँगी ये भी हेल्पफुल होंगे. ठीक है, सो अभी मुझे ना आप में से 28 वो चाहिए वॉलंटियर्स टू टेक दिस फॉरवर्ड. आप लोगों को ये वर्ड्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे, राइट? ये ना पेयर्स में है. सो यूजुअली राइस के साथ करी खाई जाती है. इंग्लैंड जाएंगे तो फिश और चिप्स उनकी नेशनल डिश है, तो फिश के साथ चिप्स देते हैं. राजा के साथ रानी होती है. तो ऐसे करके मैंने ये पेयर्स बना रखे, राइट? और यही पेयर्स मैंने अपने पास यहाँ पे लिखे हुए हैं स्लिप्स पे. इट्स एग्जैक्टली सेम किंग क्वीन, ये वो ही 28 वर्ड्स है. 14 पेयर्स है, वही 28 वर्ड्स है. ठीक है, अब ये जो मेडिकल टेप है इसके सहारे से मैं इसे आपके बैक पे चिपका दूंगी एक एक स्लिप को. पर आपको पता नहीं होगा आपके पीछे कौन सा, इनमें से कौन सा नाम, कौन सा शब्द चिपका हुआ है. आपने एक दूसरे से बातचीत करके ये पता लगाना है कि आपके पीछे क्या है, और आपने फिर अपने साथ वाला पैर ढूंढना है. हो सकता है आपके पीछे करी लिखा हो, आपने बाकी सब 27 लोगों में से ढूंढना है कि राइस किसके पीछे लिखा है. वो तो आप देख के पता चल जाएगा, पर चैलेंज ये है कि मेरे पीछे क्या लिखा है ये पता चलना चाहिए, राइट? वो पता चल जाए, आप लोगों ने पैर बना लेने और आप उधर खड़े हो जाएंगे अलग होके. पर इसके सिर्फ 3 सिंपल से रूल्स हैं, सिर्फ 3. यहाँ पे जो भी शब्द लिखे उनमें से एक भी शब्द आप यूज नहीं कर सकते. आपने सोचा तो बहुत आसान होगा, आप बोलोगे क्या मेरे पीछे करी लिखा है. हाँ, ऐसे नहीं होने वाला है ना. सो आप इनमें से जो 28 शब्द लिखे इनमें से एक भी शब्द नहीं पूछ सकते हैं. आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिनका जवाब हाँ या ना होगा. सो फॉर एग्जांपल, क्या मेरी पीठ पे जो स्लिप है उसमें ऐसा कोई खाने का पदार्थ लिखा है जो इंडिया में ज्यादातर लंच या डिनर में खाया जाता है? तो आपको पता है बहुत ही घुमा फिरा के क्या पूछ रहे हो, राइस के बारे में, राइट? करी या राइस. So, उसमें से हाँ या ना जवाब आएगा. आप सिर्फ यस और नो आंसर करे जाने वाले ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आप ये नहीं पूछ सकते मेरे पीछे क्या लिखा है, क्योंकि आपके साथ जो दूसरा पर्सन है वो भी इनमें से कोई भी शब्द नहीं यूज कर सकता है. ठीक है, रूल्स क्लियर हो गए? सो ये 2 रूल्स है कि इनमें से कोई भी एक शब्द नहीं यूज कर सकते, हाँ या ना में जवाब पूछना है, और जैसी पैर मिल जाए, पता चल जाए मेरे पीछे क्या है, पैर ढूंढ लीजिए, साइड में खड़े हो जाइए. ठीक है, सब लोग एक बार खड़े हो जाए प्लीज पैर के साथ साथ. फर्स्ट पैर कौन बने थे, आपने क्या टेक्निक अपनाई थी? ओ वेरी नाइस, बहुत ही पर्टिनेंट, और आपका पहली बार में करेक्ट हो गया, क्योंकि एज लक वुड हैव इट मैन वुमन था. ओ ग्रेट, किंग क्वीन है, वेरी गुड. पेयर किंग क्वीन है या मैन वुमन है? मैन वुमन है, राइट. और सेकंड पेयर यहाँ से बनाता है ना. हाँ जी, फर्स्ट सेकंड पेयर आपने क्या किया था? हाँ, तो तभी पता चल गया कि ये फिश की बात हो रही है. हा? अच्छा, करी एंड राइस. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. आप बताएं, आपने एक्शन से पूछा. हाँ, इसमें चैलेंज क्या आया इस एक्टिविटी में, क्या चैलेंज था? हाँ, तो मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, है ना, शब्दकोश कम कर दिया था आपका. और उसके अलावा ट्रांसलेट नहीं करना है. हाँ जी, हाँ, थोड़ा क्रिएटिवली, थोड़ा डिफरेंटली सोचना है. और उसके अलावा मैंने बोला यस नो, है ना. हाँ, ये नहीं, ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, है ना, जो वर्ड है वैसे यूज करना है. तो क्या किया मैंने, मैंने ना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट किया कम्युनिकेशन के थ्रू, कि आप कुछ शब्द यूज कर सकते हैं, कुछ शब्द नहीं. सो इन चीजों की वजह से हमें ये पता चला हम कम्युनिकेशन को कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना. हमें लगता है ये तो हम रोजमर्रा की चीज है, इसे बिना ध्यान दिए या बिना इसके बारे में ज्यादा सोचे हुए हम वही चीजें या हम सोचते वैसे ही करते रहेंगे तो काम चलता रहेगा. पर ये एक ऐसी छोटी सी चीज है जिसमें हल्का सा भी बदलाव लाने से
हमें काफी ज्यादा मुश्किलें आती है, तो कम्युनिकेशन को हमें इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। कम्युनिकेशन और कम्युनिटी दोनों का ओरिजिन ग्रीक वर्ड कम्युनस से हुआ है, जिसका मतलब है टू कनेक्ट। सो कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज कनेक्ट। कम्युनिकेशन का तात्पर्य ये है कि वो कनेक्शन बनाए। ऑलराइट, सो अब हम आगे चलते हैं। आज मैं आपके साथ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स यूज करूंगी। सो ये जो कम्युनिकेशन मॉडल है, इसके अंदर ये जो पर्सन खड़े हुए हैं उनके नीचे लिखा है सोर्स। यूजुअली जैसे अभी मैं खड़ी हुई हूँ, मैं इसी जगह पे खड़ी हुई हूँ, है ना, मैं यही खड़ी हूँ जो जहाँ पे इस पिक्चर में सोर्स खड़े, और हम एक चैनल के थ्रू, सो देयर आर टू चैनल्स वी आर यूजिंग टुडे, एक तो इन पर्सन और एक ऑनलाइन मोडालिटी इंटरनेट, है ना, हम दो चैनल्स यूज करें जिसके थ्रू मैं अपने रिसीवर्स या रिसिपियंट्स के साथ कनेक्शन बना रही हूँ और इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रही हूँ, ठीक है। सो ये मूवमेंट ऐसे जा रही है आगे की तरफ, राइट। अब आप देखेंगे जो मेरे रिसिपियंट्स हैं या रिसीवर्स हैं, उनके नीचे से भी एक एरो जा रहा है जो कि सोर्स के पास आ रहा है, वो है फीडबैक, है ना। अभी मैंने पूछा मेरे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, और उन्होंने मुझे बोला हाँ आ रही है, वो फीडबैक है, राइट। सो जो कम्युनिकेशन है वो एक टू वे स्ट्रीट है, इट इज अ टू वे स्ट्रीट। इट कैन नॉट बी दैट आई कीप स्टैंडिंग हियर एंड स्पीकिंग एंड थिंकिंग दैट आपको सब समझ में आ रहा होगा, है ना। मुझे ये इंश्योर करना है कि आपको ये समझ में आए, और वो मुझे कैसे पता चलेगा, जब आप मुझे फीडबैक देंगे, जब आप मुझे बताएंगे। सो हर एक कम्युनिकेशन की सेटिंग में ये टू वे प्रोसेस कंटिन्यूड रहना चाहिए। इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब हम एक क्लासरूम सेटिंग में, जैसे कि अभी, बट आप लोग सब मेरे साथ आंखों में आंखें मिला रहे हैं, नॉडिंग कर रहे हैं, मैं बीच बीच में आपको बोलने का मौका भी दे रही हूँ और दूंगी भी आगे, तो उससे आपका फीडबैक मेरे पास बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, उस वजह से मुझे पता चल रहा है एम आई मेकिंग सेंस और नॉट, राइट। सो ये बहुत जरूरी है कि क्लासरूम सेटअप में मैं फीडबैक के लिए थोड़ा सा समय रखूं। ऑनलाइन क्लासरूम में जहाँ पे फीडबैक वैसे ही बहुत कम है, डिमिनिश्ड है, क्योंकि हमारी 93% ऑफ आर कम्युनिकेशन इज थ्रू बॉडी लैंग्वेज, है ना। मैं यहाँ पे झुक के सेशन देने लग जाती हूँ, अगले बहुत थकी हुई है, राइट, मैं ऐसे करके देने लग जाती हूँ, बोलते थकी हुई है या कहीं और दिमाग है, मेरे पास पेन हो, मैं पेन के साथ या अपनी उंगलियों के साथ ऐसे ऐसे करने लग जाऊँ, डिस्ट्रैक्टेड है, एंशियस है, ये सब मेरे बारे में आपके अजम्पशंस हो सकते हैं, डिसीजंस हो सकते हैं, जो कि सही भी और गलत दोनों हो सकते हैं। सो ऑनलाइन मोडालिटी में वैसे ही बॉडी लैंग्वेज काफी ज्यादा कर्टेल हो जाती है, और वो और कम हो जाती है जब बच्चे वीडियो ऑफ कर लेते हैं, हम उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बोलते हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, है ना। सो इस वजह से हमें अपने कम्युनिकेशन में ऐसी जगह रखनी चाहिए कि हम उनसे फीडबैक लें। तो अगर आपका 40 मिनट का सेशन है, आप 25 मिनट बोलने का प्लान कीजिए, बाकी के 15 मिनट आप उनसे फीडबैक, उनसे इंटरेक्शन टुकड़ों में, एक साथ नहीं छोटे छोटे टुकड़ों में थ्रू आउट द सेशन लेने का प्लान कीजिए, जिससे कि उनका एंगेजमेंट और इंटरेस्ट आप में बना रहे। उसके अलावा देखते हैं, हमें लगता है मैं खड़ो के यहाँ बोल रही हूँ तो सारा मामला मेरे कंट्रोल में, इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ आके बांग्ला में सेशन दे देती हूँ, किसी को समझ में आएगा नहीं ना, मैं बांग्ला बोल सकती हूँ, मुझे समझ में आते हैं, मैं दे देती हूँ, मेरा मन है, आप बोलेगा क्या बेकार सेशन है, राइट। तो किसने डिटर्मिन किया कि मैं कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, आपने, है ना, ये पावर आपके पास है। कौन से चैनल के थ्रू, इन पर्सन या ऑनलाइन, मैं चाहूँ इन पर्सन ही हो सारे के सारे, पर जो हमारे बाकी 110 पार्टिसिपेंट्स है, 110 वो नहीं आ पाए, तो वो हमसे कनेक्टेड है थ्रू ऑनलाइन मोडालिटी, ये डिसीजन भी उनके हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है, राइट। सो चैनल मैसेज को कैसे एनकोड किया जाएगा, कौन सी लैंग्वेज में, किस लेवल ऑफ लैंग्वेज में, कब भेजना है, कैसे भेजना है, ये सब मेरे रिसिपिएंट्स के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मैं सिर्फ ये डिटरमिन कर सकती हूँ कि मैंने बोलना क्या है। उसके बाद बोल दिया, मेरे रिसिपिएंट से सुन लिया, अब वो उसे कैसे समझ रहे हैं वो मैं बता सकती हूँ नहीं, वो उनकी अपनी समझ से वो उसे डिकोड करेंगे, राइट। आपने क्लास में खड़े होकर सेशन दिया, आपके बच्चों ने उसे कैसे समझा,
हर एक की अपनी समझ है, हर एक की अपनी तैयारी है, हर एक का अपना इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, कौन कितना पढ़ने के इंटेंशन से बैठा है, कौन ऐसे ही बैठा है क्लास में दूसरों को तंग करने के, डिस्ट्रप्शन के इंटेंशन से, ये सब चीजें डिटरमिन करती है कि आपका सेशन की क्वालिटी क्या है, कितना इफेक्टिव और सक्सेसफुल है। ये पावर भी आपके हाथ में नहीं है, ये पावर भी आपके रिसिपिएंट्स के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है, रिसिपिएंट्स के हाथ में। एंड फाइनली फीडबैक क्या होता है, सेशन अच्छा है, ऊपर से गया, साइड से गया, समझ नहीं आया, कनेक्शन नहीं बना टॉपिक के साथ, सब्जेक्ट के साथ, स्पीकर के साथ, ये सब किसके हाथ में है, ये भी रिसिपिएंट के हाथ में। सो यूजुअली हम सोचते हैं कि जो बोलता है पहले और जो बोलता है ज्यादा वो पावरफुल होता है, ये गलत है। जो ज्यादा सुनता है वो पावरफुल होता है। सो अगर आपने पावर डायनामिक्स क्लासरूम में चेंज करने हैं, आपने ज्यादा सुनने के पॉकेट्स इंट्रोड्यूस करने हैं अपने क्लासरूम सेशन में। क्यों? आप पावर वापस ले रहे हैं, जितना ज्यादा आप सुन रहे हैं बच्चों की उतना पावर अपने पास वापस ले रहे हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से आपको अपना एटीट्यूड, लेसन प्लान एंड डिलीवरी ऑफ द लेसन चेंज करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा फॉर क्लासरूम कम्युनिकेशन, राइट? इज एवरीबॉडी विद मी टिल नाउ? हाँ, एम आई मेकिंग सेंस? मतलब थोड़ा लग रहा है ढंग की बात कर रही हूँ? ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं। सो नाउ हियर आई वॉन्ट टू शेयर विद यू टू डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन, और बहुत सारी हैं, मैंने ये दो इसीलिए पिक करी है क्योंकि ये मुझे ज़्यादा थोड़ी अपील करती हैं, ठीक है। सो इसके अंदर आप देखेंगे बिजनेस डिक्शनरी ने लिखा है, इट इज़ अ टू वे प्रोसेस ऑफ रीचिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। टू वे प्रोसेस है, एक तरफा नहीं है, दो तरफा होगा, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पूरा समझ आए ना आए पर कुछ बातों पे अग्रीमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जैसे टीनेज बच्चे हैं, बेटी 21 साल की है, बेटा 16 साल का है, हम ज़्यादातर ये बोलते हैं वी अग्री टू डिसअग्री। हम, मेरे बच्चों में इस बात का एग्रीमेंट है कि हाँ कई बातों पे हमारा मतभेद है, एटलीस्ट इस बात पे तो अग्रीमेंट है कि हम डिसअग्री करें। सो दैट काइंड ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर, पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। इन विच पार्टिसिपेंट्स नॉट ओनली एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे के साथ नई इन्फॉर्मेशन ही नहीं एक्सचेंज करते, न्यूज, आइडियाज एंड फीलिंग्स, ये नई बातें, न्यूज, आइडियाज, फीलिंग्स ही नहीं, बट ऑल्सो क्रिएट एंड शेयर मीनिंग। सो उनका कनेक्शन क्रिएट जब वो एक साथ करेंगे, उनका कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, उनके लाइफ में उस बातचीत का, उस क्लास अटेंड करवाइए, आज कम्युनिकेशन का जो सेशन आप अटेंड करेंगे, इट शुड एड सम मोर मीनिंग एंड वैल्यू टू योर लाइफ। मैं अगर किसी क्लास में भी बैठी हूँ जिसके अंदर मैं बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, मेरे टीचर के साथ इंटरेक्शन से मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन की बात है, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, कनेक्शन। आप तभी अपने स्टूडेंट्स पे इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, आप तभी उन्हें एक डायरेक्शन में मोटिवेट कर पाएंगे जब आप उनके साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। So, कई बार इंदिरा गांधी सेड आई कैन नॉट शेक हैंड्स विद अ क्लेंच फिस्ट, मैं बंद मुट्ठी के साथ हाथ कैसे शेक करूं? ताशकंद अग्रीमेंट के टाइम की बात है, जब वो लाल बहादुर शास्त्री को जो भी उनकी डेथ के बाद या आई और उसके बाद तो तब ये बोलती है, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन कैसे भी हो, हम जहाँ बंद मुट्ठी के साथ हाथ मतलब मिला ही लो, बट कम्युनिकेशन का पर्पस ये है कि इस बंद मुट्ठी को एक उंगली करके सारी खुले रहनी चाहिए हथेली। हैंडशेक सही टाइम पे हो जाएगा, अच्छी कम्युनिकेशन वो है जो हाथ को हमेशा खुला रखे, एक्सटेंडेड हैंड हो, मतलब दूसरा पर्सन रेडी टू रिसीव एंड रेडी टू गिव हो, हैंडशेक सही मोमेंट पे हो जाएगा, राइट? सो हमें क्लासरूम में भी ऐसा ही रखना है कि हमें अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कनेक्शन रखना चाहिए। आपको लग रहा होगा मैं ये बहुत उलझुलझुल सी बातें करी और ऐसे होता नहीं है, और स्पेशली जो 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे जिनको आप पढ़ा रहे हो उनके तो साथ ये सब दाल गलती नहीं है, पर दो मैं आपके साथ एग्जांपल्स शेयर करना चाहती हूँ। एक वीडियो में आपको दिखाऊंगी, अगर समय रहा, नहीं रहा तो मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, आप उसे देख सकते हैं। एक है स्वरूप संपत, पुराने टाइम पे दूरदर्शन पे सीरियल आता था, ये जो है जिंदगी, शफी इनामदार के साथ स्वरूप संपत मिस इंडिया कर चुकी है, 1980s में मिस इंडिया बनी थी, वो एक्टिंग में आ गई, परेश रावल की वाइफ है वो आजकल, है ना? तो उनके दोनों बेटे हुए, उन्होंने एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ दी, बेटे बड़े हो गए, बोले अब मैं क्या करूँ, सारे लड़के ही मेरे आसपास, कोई मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता है। तो स्वरूप संपत ने सोचा मैं टीचिंग शुरू करती हूँ,
क्योंकि बच्चों को इतने सालों से पढ़ा रही हूँ तो अब यही पता है एक्टिंग में तो मेरी दाल उतनी गली नहीं, पर एक्टिंग उन्हें पसंद है। तो उन्होंने जाके पहले अपनी एमएड कंप्लीट करी, फिर बीएड एमएड कंप्लीट करी, फिर उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जाके थिएट्रिक्स को कैसे एजुकेशन और लाइफ स्किल्स इन्हांसमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, एक्टिंग को कैसे यूज़ किया जा सकता है, उस पर पीएचडी करी। और वो करने के बाद वो गुजरात के गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे क्लासेस लेना शुरू कर दिया जिसमें उन्होंने 8th क्लास और उससे ऊपर के बच्चों के साथ अपने वर्कशॉप्स करी ऑफ एक्टिंग, जिससे कि उनके लाइफ स्किल्स, उनकी ओपननेस टू स्टडी एंड देयर रिसेप्टिविटी टू एजुकेशन इंक्रीज हो। इसी वजह से उनको 2016 में जो ग्लोबल टीचर अवार्ड है उसमें वो फर्स्ट रनर्स अप रही। उनके लिए कोई वीडियो नहीं है क्योंकि इंडिया में टीचर्स को लेकर हम वेरी सैड टू से इतनी जागरूकता नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा न्यूज़ आइटम था और एक 1.5 सेकेंड का वीडियो क्लिप है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। पर मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे लिए पॉसिबल है एज टीचर्स टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपने अभी शब्दों को 2 मिनट में, मुझे किसी ने पूछा कि क्या टेक्नोलॉजी का मदद ले सकते हैं, इमीडिएटली उन्होंने पूछा, है ना। आपका दिमाग इतना तेज चलता है, आपका एक्सपीरियंस इतना है बच्चों के साथ, बच्चे ना समझ हैं, वो नहीं रियलाइज कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हमारी फ्यूचर शेप करते हैं आप गिव अप कर दें। ये थोड़ा मुश्किल है जो मैं मांग रही हूँ, पर ये हो सकता है। ऐसे एक और टीचर है एरिन ग्रूवल, उनको स्लम्स में, न्यूयॉर्क सिटी के स्लम्स में पढ़ाने का मौका मिला। गोरी हैं, वाइट है, काउकेशियन है, और निग्रोज वाले इलाके में उन्हें पढ़ाने को दिया। वो गवर्नमेंट स्कूल है, ड्रग्स, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस और जेल में जाना छोटे छोटे बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही आम बात है। तो वहाँ पे वो गई, बोलते एक तो इंग्लिश पढ़ाने को बोला, वो बोलते एक तो इंग्लिश तो हमें आती है, ये क्या पढ़ाएंगी, दूसरी बात गोरी है, ये हमारे प्रॉब्लम्स को क्या जाने, ये तो एक बहुत ही रिच एफ्लुएंट बैकग्राउंड से आई है, इसका हमारा कोई कनेक्शन नहीं, फालतू की बात करती है, इसकी तो बात ही नहीं सुननी। 1.5 महीने तक उनकी क्लासरूम में कोई बच्चा नहीं टिका। फिर उन्होंने अपना तरीका चेंज किया, उन्होंने बुक्स शुरू करी शेयर करनी। उन्होंने सबसे पहली बुक शेयर करी एन फ्रैंक की, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, हाँ, जो कि कंसंट्रेशन कैंप से 15-16 साल की लड़की ने अपना समय बिताया, और उन्होंने उसकी कहानी आके क्लासरूम में बैठ के पढ़नी शुरू करी। तो बच्चों को लगा यार ये हमारे जैसी है, इसके ऊपर भी वैसा ही वो हो रहा है, एट्रोसिटी हो रही है जैसे हमारे साथ हो रही है, हम जैसे रह रहे हैं, इसका भी वैसा ही एक कबर्ड के अंदर रह रही है ये बच्ची, हमारे भी तो घर ऐसे ही हैं। सो उन्होंने धीरे धीरे अपने टीचर की बात सुननी शुरू करी, और ऐसे करके वो बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते पढ़ते वो बच्चे टीचर के इन्फ्लुएंस में आ गए। उन्होंने साथ साथ अपनी लैंग्वेज भी पढ़ी, सिलेबस भी कवर किया, उन्होंने ड्रग्स छोड़ दिए बच्चों ने, टीनेज प्रेगनेंसीज खत्म हो गई उनकी क्लासरूम की, बच्चों की परफॉर्मेंस इन अदर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, साइंस, ज्योग्राफी बहुत इंप्रूव हो गई। वो फ्रीडम राइटर्स के नाम से बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया, वो बच्चे और उनकी मैम अक्रॉस USA बहुत सारे स्कूल्स में जाके सेशन लेने लग गए कि कैसे उन्होंने ये तरीका अपनाया और बच्चों को एंगेज किया विद स्टडीज। और ऐसे करके उनकी किताब भी निकली, और उनका किताब पे मूवी भी बनी है जिसका नाम है द फ्रीडम राइटर्स, किताब का नाम भी यही है, आप देख सकते हैं। उसका एक वीडियो है जो मैं बाद में शेयर करूंगी, पर अभी मुझे नहीं लगता हमारे पास समय है। पर मैं जो ये कहना चाह रही हूँ, ऐसे ही रंजीत सिंह जी है महाराष्ट्र के, 2020 के लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने महाराष्ट्र के जो डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स है वहां पे बुक्स नहीं जा रही थी, उन्होंने QR कोड बनाया जो बच्चे उसको स्कैन करके डाउनलोड कर सकते थे, उनके पास सॉफ्ट कॉपी में किताबें आ गई और बच्चों ने ऑनलाइन सेशन शुरू कर लिया। उस वजह से रंजीत सिंह जी को 2020 में बेस्ट ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला था। सो ये चीजें आप ही में से आई है, आप ही लोग हैं जो ग्राउंड रियालिटीज को जानते हैं, और आप ये सब कर सकते हो। दिस इज हाउ क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड बी। अपनी क्लासरूम बदल दो, जरूरी नहीं है क्लासरूम वही बनाओ। हमें पता है रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में पेड़ के नीचे बैठ के भी बच्चों को सिखाते हैं, राइट? पहले सिखाते थे, आजकल उनके टीचर सिखाते हैं। सो आपके बस की बात है, ये आप ये कर सकते हैं, और इस वजह से बच्चे आपके साथ बहुत कनेक्टेड रहेंगे। मैं यहाँ पे शुरू में जब मैंने काम शुरू किया था, नया गाँव एक सबर्ब है चंडीगढ़ के पास, मैंने वहां से अपनी क्लासेस लेनी शुरू करी थी, और उस टाइम मैंने भी ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाए थे। ए बोलती थी, लोग बी लिखते थे, और उन्होंने IELTS के एग्जाम देके बाहर पढ़ने जाना था इन बच्चों ने, मुझे समझ नहीं आता था ये कैसे करेंगे,
बट किसी ना किसी तरीके से उनके साथ बातें करके, गाने सुना के, गाने गागा के उनको इंग्लिश सिखाई, उनके साथ गाने पहले नर्सरी राइम शुरू करी, फिर गाने गाने शुरू किए, लेटेस्ट गाने किए, तो हिट है ये, पॉप सॉन्ग हिट है, ऐसे करके हमने काम शुरू किया और वो बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं। आप ग्रीस में हैं, यूके में हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो आप ये कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल, थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो ये हो सकता है। इसीलिए आपको कनेक्शन करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन इन जनरल मीन्स कनेक्टिंग पीपल और प्लेसेस, आपको ये भूलना नहीं है। क्लासरूम कम्युनिकेशन से भी आपका कनेक्शन बनना चाहिए। दूसरी जो डेफिनेशन है वो फ्री डिक्शनरी की है, वो मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसमें कहा गया है द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ यूजिंग वर्ड्स इफेक्टिवली टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन और आइडियाज। ये एक कला भी है और एक टेक्निक भी है। सो कला के लिए क्रिएटिविटी चाहिए, सो थोड़ा सा आपको क्रिएटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तक मेरी बात से थोड़ा बहुत सहमत है? हाँ, ग्रेट, ऑलराइट। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ क्लासरूम कम्युनिकेशन इज डिफरेंट। देयर आर फ्यू पॉइंटर्स जिसकी वजह से क्लासरूम कम्युनिकेशन डिफरेंट होती है। अगर आप देखेंगे नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। पैसे खर्च करके बच्चे क्लासरूम में आते हैं, पैसे खर्च करके बच्चे मूवी थिएटर में जाते हैं, पर जो मूवी थिएटर की इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट है, क्लासरूम की इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, तभी उनकी रिसेप्टिविटी और एंगेजमेंट डिफरेंट है, राइट? सो हमें क्लासरूम में, ये कह रही हूँ कि क्लासरूम इंफॉर्मेशन को हम पूरी तरह एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना सकते, बट हम उसको एंगेजिंग बना सकते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा हम कैसे बना सकते हैं। फ्लिप क्लासरूम एक तरीका है जिसके थ्रू आप एजुकेशन को, क्लासरूम को बहुत एंगेजिंग बना सकते हो। फ्लिप क्लासरूम में क्या होता है कि जो रीडिंग मटेरियल है, रिसोर्सेज है, वो बच्चों को पहले दे दिया जाता है, पढ़ता रहो, जो समझ में आया जितना आया, 20% समझ में आया, 30% कोई बात नहीं, क्लासरूम में आओ, हम यहाँ पे उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम उस पर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। उससे उनके लिए क्लासरूम बहुत एंगेजिंग हो जाती है, वो टीचर की बात सुनने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप सारे टॉपिक्स, सारे लेसन अपने सब्जेक्ट के फ्लिप क्लासरूम में पढ़ाओ, पर अगर आप दो या तीन भी पढ़ा लेते हैं एक साल में, वो बच्चों का आपका इन्फ्लुएंस बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे गलतियां करके आपके साथ सीख रहे हैं क्लासरूम में, तो उस वजह से वो आपके असर, और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा सकते हैं। और ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने अपनी फ्रेंड के साथ जिसने एमएड करी हुई है, हमने करा एनसीईआरटी की बुक क्लास 10th की लेके सारे सब्जेक्ट्स में से हमने एक एक लेसन को फ्लिप क्लासरूम के तरीके से डेवलप किया, और यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हम ये सेशन देकर आए हैं कि ऐसे हो सकता है। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी, आप अपने सब्जेक्ट एरिया में एक्सपर्ट्स हैं, देखिए कौन सा आप फ्लिप क्लासरूम की तरीके, पर जब वो क्लास में आए, व्हेन दे कम टू द, दे शुड परफॉर्म, दे शुड पार्टिसिपेट इन सम एक्टिविटी, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। Very nice. That I think that would have helped you and created more engagement. Very nice. That is really helpful. And if you start applying like day-to-day physics, for example, physics ke principles. अब मुझे इसलिए याद है, अभी हम होकर आए मैं और मेरी फैमिली, हम वहाँ केरला में ऐसे घर बने हैं पुराने समय पे कि वो ना joint locking system से है, उनको ना जरूरत ही नहीं है किसी कील की, लकड़ के बने हुए, और वो डिसमेंटल हो जाते हैं, वो कहीं पे भी ले जाके रख सकते हो, क्योंकि पानी इनंडेटेड, मतलब वो फ्लड्स वाला एरिया है ना, तो वो उठा लेते हैं लकड़ को, कहीं पे भी रख लेते हैं, और वो लॉक करके दीवार ऐसे राइट एंगल पे खड़ी हो जाती है दो। सो दिस इज एवरीडे फिजिक्स, जस्ट बिकॉज मैं चिल्ड्रन के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी थोड़ा ऐसी बातचीत करती रहती हूँ, तो उन्होंने वो नोटिस किया और मुझे बताया कि आप देखो यहाँ पे जो बाहर से है, हमारा जो कमरा है उसके बाहर से इंटरलॉकिंग एंड जॉइनिंग सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और हमारी कल्चर तो बहुत रिच है, इसमें आपके लिए भी अपने सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा। एंड जो मैं बात अगले सेशन में करने वाली हूँ ना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, जो मेरा नेक्स्ट सेशन है वेनसडे को, उसमें आप कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दीज थिंग्स, सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। सो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा एंगेज करने के लिए। ऑडियंस उतनी रेडी नहीं रहती, थक जाती है बेचारी, घबरा जाती है, वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें लगता है मम्मी पापा जबरदस्ती भेज रहे हैं। अगर हम फर्स्ट डे उनके साथ एक गोल शेयर कर ले, दैट इफ यू पास आउट ऑफ हियर यू विल गेट अ गुड जॉब, यूजुअली हम जब गोल लेस या पर्पस लेस होते हैं ना, तब हमें पता नहीं चलता है कि इसको फुलफिल करना क्या है, ये क्या, व्हाट इज द पर्पस, हम ये कर क्यों रहे हैं। बट आप उन्हें ये मत दिखाइए कि सिर्फ मार्क्स है,
आप उन्हें दिखाइए, जब आपको जॉब मिलेगी, आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी एंड यू विल गेट द इंडिपेंडेंस टू टेक डिसीजंस इन योर लाइफ, ऑटोमेटिकली वो ज्यादा ओरिएंटेड हो जाएंगे टुवर्ड्स स्टडिंग एंड लर्निंग. सो ऐसा करके आपको ऑडियंस को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. लेवल एंड डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन वेरी करता है. किसी दिन थके हुए होते हैं, नहीं करते, पहले वाले क्लास से थके हुए हैं या एंड ऑफ द डे सेशन है, तो उनका पार्टिसिपेशन वेवर करता है. ये चीजें भी आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी. तो अभी जैसे मैंने अभी आपके साथ एक मिक्सर किया, ऐसे मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आज समय रहेगा तो हम करेंगे. उनमें से आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, सो एज टू चेंज देयर और इनहेंस देयर लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन. पर ये सब करने के लिए थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा. अपने पास एक लिस्ट रेडी कर लो, है ना. जैसे माँ के पास खाना बनाने के लिए मसालेदानी रेडी रहती है, थोड़ी जब कोई सब्जी बनाने लगती है तब धनिया पाउडर पीस के आएगी, धनिया पाउडर पहले से ही है, किसी में डालने की जरूरत पड़ेगी तो डाल लेगी. ऐसी करके आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, एक रेडीनेस होनी चाहिए ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज कि जब जरूरत पड़े उन्हें ढूंढ ले. अपने बैग में ही रखिए. देखिए ये सब चीजें मैं अपने बैग में ही रखती हूँ. टेप है और ये जो अभी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए है वो मैं अपने बैग में ही रखती हूँ कि ये मैं उसी टाइम दे दूंगी, शेयर कर लेंगे और कर लेंगे ये एक्टिविटी. टू ब्रेक मोनोटोनी, ये आपको करना पड़ेगा. पर्पस क्या है? पर्पस आपको बड़ा दिखाना पड़ेगा, सिर्फ मार्क्स नहीं, तब बच्चों का एंगेजमेंट थोड़ा ज्यादा होगा. पब्लिक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, क्योंकि जैसे अभी आप लोग ने थोड़ा सा इनपुट दिया, बच्चे तो इतना भी इनपुट नहीं देते, वो टीचर बोल रहे हैं तो वो चुप रहेंगे, सिर्फ सुनते रहेंगे और वो कम्युनिकेशन प्रोसेस टू वे होने की जगह पब्लिक हो जाएगा. एक पर्सन ज़्यादा बोलेगा और उस पर्सन टीचर को वैसे भी फिगर ऑफ अथॉरिटी माना जाता है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस बहुत होता है. एंड देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स कि आज मन नहीं है, आज मतलब कम बच्चे आए हैं, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट दिस क्लासरूम कम्युनिकेशन. ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ना, आप इनको डिनाई नहीं कर सकते, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. कभी आप सोचो कि इनको तो पता ही है, इतने सालों से पढ़ रहे हैं कि ये सब चीज़ें होती, तो आप भी तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं. वो छोटे हैं, आप बड़े हैं, आपको ये सब मैनेज करना आना चाहिए और आप ये कर सकते हैं, आपको ये करना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है. ऑलराइट, लेट्स रिज्यूम स्लाइड शो. कुछ चीजें प्रेपरेशन बिफोर द सेशन, मैं ये जल्दी जल्दी करूंगी क्योंकि समय कम है और ये आप सबको पता है. लेंथ ऑफ द सिलेबस टू बी कवर्ड, आपको पता होना चाहिए, ज्यादा बड़ा मत लें, थोड़ा छोटा ही लें, मतलब इतना ना कि टू मच टू च्यू, आपके लिए नहीं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए ना टू मच हो जाए, टू हेवी हो जाए. डेंस इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकल है, उसको कम दीजिए, कोई बात नहीं. पर्पस क्या है? आपका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर रहना चाहिए. हम ये सोचते हैं सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, भाई जितना आपने कर दिया जल्दी जल्दी में वो ग्रास नहीं किया तो वो फुलफिल नहीं हुआ पर्पस. इन्फ्लुएंस हमेशा इंटैक्ट रहना चाहिए उनका, आपका जो कनेक्शन है वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए. ऑफकोर्स आप नोट्स बना के जाते होंगे, कुछ वो रीड भी कीजिए, कुछ उनके साथ शेयर कीजिए, दिखा भी दीजिए कि जो अच्छा करेगा उसको मैं अपने नोट्स भी दे दूंगी. मेरी टीचर देती थी हमें कॉलेज में, सो वो दैट इज मोर इनकरेजमेंट टू परफॉर्म बेटर. ऑडियो विजुअल एड्स, जैसे आपने शेयर करा कि यूट्यूब वीडियोज दिखा देते हैं, वो जरूर डाले. जैसे मैं सारे टाइम बोलती रहूंगी तो आप लोग भी तो बोर हो जाएंगे, चाहे एक घंटा ही सुनना है, वो अभी एक घंटे से भी कम सुनना है मुझे, पर बोर हो ही जाएंगे. इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट देख लीजिए, आज क्लासरूम के बाहर हो सकती है क्लास, क्या चार दीवारी के बाहर हो सकती है? क्या ऐसा मौसम है, क्या हमारे पास ऐसा घना पेड़ है जिसकी छांव में बैठ के बच्चे कर सके? क्या हम अगर हमने कुछ केमिकल्स या बायोलॉजी बॉटनी की क्लास करनी, क्या हमारे क्लास इंस्टीट्यूट का कंपाउंड में इतने पेड़ पौधे हैं कि हम बॉटनी की क्लास वहाँ पे ऐसे कर सकते? थिंक अ लिटिल डिफरेंटली कि इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट आप कैसे ले सकते हैं. डिटेल्स ऑफ द सेशन हमेशा पहले शेयर कर दीजिए, जिससे बच्चों की उत्सुकता जारी रहे, जिससे वो इंक्विजिटिव रहे. उसको बोलने के भी तरीके हैं कि मुझे नहीं पता ये जो अगला सेशन हम करने वाले हैं टॉपिक तुम्हें कितना समझ में आने वाला है, पर अगर कल लोगे ना तो उसे तुम्हारा 30% ऑफ क्वेश्चन पेपर फाइनल में इसी से आने वाला है, तो 30% में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करो. ऐसे करके वो अच्छा, तो मैम ने मैम को या सर को हमारे ऊपर शक है, वो पहले से ही तैयार पहुंचेंगे, आपने बता दिया वो थोड़ा सा पहले से ही पढ़ो, वही मैम बोल रही थी या सर बोल रहे थे. सो दिस ऑलवेज हेल्प्स. नेगेटिव क्यूरियोसिटी टू शेयर डिटेल्स ऑलवेज हेल्प्स, इट कीप्स देम रेडी कि आगे आने वाला क्या है. सरप्राइज एलिमेंट उतना सरप्राइजिंग या प्लेजेंट नहीं होता है क्लासरूम में. लेट्स टॉक अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं हम क्लासरूम में. आप अपनी वॉइस को लाउड और कॉन्फिडेंट रखिए. मैं कोशिश कर रही हूँ मैं लाउड और कॉन्फिडेंट रहूँ, मुझे सुन भी कम रहा है क्योंकि मेरे कान भी ब्लॉक्ड है,
तो मैं ज्यादा चिल्ला के बोल रही हूँ. क्लैरिटी होनी चाहिए. जैसे मैंने पूछा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके कैसे. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड एस्टैब्लिश एंड दीज आर स्मॉल थिंग्स. ये छोटी बातें आप शुरू में पूछ ले कि आज किस किस का क्लास हिंदी में सुनने का मन कर रहा है. उससे क्या होगा कि ये हमारे बारे में पूछ रहे हैं, इनको हमारे हम जो चाहते हैं उससे फर्क पड़ता है. सो ऑटोमेटिकली आपने जब उनके कहने पे इतना सा चेंज किया सिर्फ लैंग्वेज, ऑटोमेटिकली आपने उनकी तरफ से एक अनस्पोकन कमिटमेंट ले लिया कि भाई तुम तो आज ध्यान दोगे, क्योंकि जो तुमने बोला उस हिसाब से लैंग्वेज चेंज कर दी गई. ऐसी छोटी छोटी चीजें करते रहिए जिससे आप उनके साथ एंगेज कर सके. इंटोनेशन और डिक्शन पे ध्यान दीजिए, टेक्निकल वर्ड्स है रिपीट कीजिए, धीरे बोलिए, पॉजेस लीजिए. अगर आपको लगता है आपने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर किया है उसके बाद पॉज ले, आप चुप हो जाइए, कुछ सेकंड का सन्नाटा, जो लोग सो रहे हैं वो भी इधर उधर जा रहे हैं, क्या हुआ भाई, है ना, चाहे ऑनलाइन सेशन भी उसमें भी, तो उसके बाद उन्हें थोड़ा सा एंगेजमेंट ज्यादा हो जाएगा. देन यू कैन परहैप्स रिपीट इट, या फिर आप पॉजेस यूज कर सकते हैं किसी को रेप्रिमांड या चेक करने के लिए. डांटने का मन नहीं है, मत डांटिए, बट पॉज हो जाइए. इसलिए कुछ ऐसा बोल दिया उनकी तरफ देखिए, चुप हो जाइए, जरूरी नहीं है ऐसा गुस्से वाला दिखाना है, बस चुप हो जाइए. उसमें भी वो चेक हो जाते हैं कि हाँ इनको पता चल गया है और इनकी लय मेरी वजह से टूट गई, द फ्लो हैज ब्रोकन डाउन बिकॉज ऑफ माई स्पीकिंग दिस वे. देन प्लीज यूज सिंपल लैंग्वेज, लंबे लंबे सेंटेंस मत यूज कीजिए. बच्चों को मत घबराइए, उन्हें लगे कि आपके साथ बात करना बहुत आसान है. आई होप इट कम्स नाउ. यस, सिंपल रखिए अपनी लैंग्वेज. अब हम एक वर्कशीट करते हैं, हमारे पास आ गई, ये आप अपने स्टूडेंट्स को भी दे सकते हैं. एक एक अपने पास रख लीजिए और नाम लिख लीजिए. पास ऑन टू द नेक्स्ट वन. एक वर्कशीट है जो हम लिसनिंग स्किल्स पे करेंगे. अच्छा, अब ये देखो ये आ गई ना वर्कशीट. इसमें जो ऊपर है ये 10 चीजें हैं जो हमारे लिसनिंग स्किल्स बैड हैबिट है. जो मेरे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अमनदीप मैम ने ये शीट ईमेल कर दी होगी, यू कैन टेक अ लुक एट दैट. ये 10 लिस्टिंग बैड हैबिट्स है. जब मैंने पहली बार किया ना तो मैं इसे 6 या 7 मेरे लिए थी. ये सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए है. जितना मैंने अभी आपके साथ एस्टैब्लिश किया कम्युनिकेशन मॉडल में, जितना हम अच्छे से सुनते हैं उतना हम ज्यादा इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर पाते हैं. So keeping a check on our habits will only help us to improve listening and help us to get more influence, right? अब क्या है ये आपने मेरे साथ मतलब ये ऐसा नहीं ओपन नहीं कि आपने हम सबको बताना, पर आप ये पढ़ लीजिए. अगर आप में से किसी को भी कोई भी एक बैड हैबिट है और आपको लगता है कि मैं इस पे कैसे काम करूँ, suppose I cut others when they ask me, इसमें लिखा हुआ है ना, अपने बच्चों को, अपने कॉलीग्स को, अपने स्टाफ को, अपने ड्राइवर को भी, बाकी सारे मैं सभी को बोलती हूँ कि मेरी आदत बनी है कि मैं दूसरों को बोलने के लिए देती हूँ जल्दी के नहीं बच्चों के हड़बड़ी की बच्चों के. तो भाई आपने ना जैसे मैं ऐसे करूँ तो आपने मुझे सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, सर्वगुण संपन्न हम में से कोई नहीं हो सकता है.
आर ओनली गोइंग टू गेट डिसवेडेड एंड रिजेक्टेड कि भाई इतना सारा मतलब मैं बोलती भी जल्दी हूँ, मैं दूसरों के सेंटेंस भी कंप्लीट कर देती हूँ, मैं किसी की बात ही नहीं सुनती हूँ, मैं सारा टाइम आप आँख मिलाए बिलाए नोट टेकिंग, ये सब आपको बहुत ओवरवेल्म कर देगा अपने बारे में। सो आप एक अनेक की जगह एक पे भी काम नहीं कर पाएंगे, तो एक एक करके काम करें, राइट। एंड दिस इज समथिंग यू कैन गिव टू योर स्टूडेंट्स ऑल्सो कि देखो, और अगर किसी को मदद चाहिए तो मुझे बताओ, मैं मदद करता हूँ या करती हूँ, एंड दो या तीन मिनट उनसे बात कर लो, इट विल ओनली हेल्प यू टू गेट मोर इन्फ्लुएंस ओवर देम। ये क्वेश्चनेयर आप अपने आप को हर तीन महीने बाद दीजिए, आपको पता चलेगा पहले जो आपके स्किल्स थे, स्ट्रॉन्ग स्किल्स थे, वो वीक हो गए, क्योंकि आप जो आपकी वीकनेसेस थी उन पे काम करने लगे और आपकी स्ट्रेंथ्स आपकी वीकनेसेस बन गई। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हम जब तक जिंदा है हम अपने आप को इम्प्रूव ही करते रहते हैं, क्योंकि हमने एडल्टरेशन होती रहे, राइट। हाँ जी, डिपेंड करता है, पर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ओके, बॉक्स नंबर टू के लिए गिवन ब्लैंक स्पेसेस में वर्ड जेरोक्स लिखिए। ऑलराइट, बॉक्स नंबर थ्री में इंस्ट्रक्शंस है, एम बी है ममा बुल, बी बी है बेबी बुल, पी बी है पापा बुल, सर्कल द ऑड वन आउट। इफ एम बी इज ममा बुल, बी बी इज बेबी बुल, पी बी इज पापा बुल, सर्कल द ऑड वन आउट। बॉक्स नंबर फोर के लिए इंस्ट्रक्शंस है, राइट डाउन टू वर्ड्स विद द लेटर्स गिवन, दिए गए लेटर्स से टू वर्ड्स लिखिए, जल्दी से कर लो, जिसने कर लिया हाथों पकड़ लो। अब आप बताओगे कि आपने कहाँ पे डॉट लगाया है, आई पे, नीचे एक्सक्लेमेशन बना दिया, वेरी गुड, और मैम आपने छोटा आई बना दिया,
किस किस ने एक्सक्लेमेशन मार्क बनाया, हाथ ऊपर करो। किस किस ने ऊपर लगाया है और उसको छोटा ही बनाया मेरी को। किसी ने आई की बॉडी के ऊपर भी लगाया है, मतलब वो जो खड़ी हुई लाइन है उसके ऊपर बीच में कहीं आपने लगाया है। क्लास में भी ये कल आपको पता है, किसी ने आई की बॉडी पे लगाया है। तो कुछ क्लासेस अब इसका जवाब ये है कि जो मैंने बोला डॉट द लेटर, आपको जैसे समझ आया आपने वैसे किया, दोनों सही है। अगर आपने बॉडी के ऊपर भी डॉट लगाया होता आई की, वो भी सही था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला मुझसे कुछ नहीं पूछना है, जो समझ में आ रहा है वैसे करो। मैंने फीडबैक बंद कर दिया तो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो गया है कि नहीं? सेम ही बात आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझी। इससे पता चलता है फीडबैक का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे कम्युनिकेशन में, राइट? जेरॉक्स बताइए कैसे लिखा है आपने, खड़े होके दिखा दे। जो दूसरे जेंटलमैन थे ना यहाँ से जिन्होंने, यस आप अपना नाम बताएंगे प्लीज सर, एक बार फिर से बताओ। प्रिंस नागर। ओके प्रिंस जी, बताए आपने कैसे लिखा है जेरॉक्स? और एंड में छोड़ दी, ठीक है, थैंक यू सो मच प्रिंस जी, बैठ जाए। किसी और ने ऐसे लिखा, इसके अलावा किसी और तरीके से लिखा है? किसी ने आगे का छोड़ा है? किसी ने जेरॉक्स की स्पेलिंग ही बदल दी? एक्स्ट्रा एक्स लगा दिया। और किसी ने किसी और तरीके से लिखा है? हाँ जी, सिर्फ एक्स को, अच्छा शुरू में ही, हाँ क्योंकि वो इतने सारे थे ना, एक एक्स्ट्रा था। और कुछ? अब आप देखो ये जो डैशेस है इनके बीच में जो खाली जगह है वो कितनी है, इसमें जेरॉक्स लिखा जा सकता है। अब ये क्या हुआ, हमारी मेंटल कंडीशनिंग हमारे लिसनिंग के बीच में आ गई, दिस कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं इसे। क्योंकि हमें दिखाया गया फॉर्म्स भरने होते हैं तो डैश 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 लगा रहता है ना, टेक्स्ट बुक्स में डैश डैश रिक्त स्थानों को भरे डैश 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 डैश, तो हमें लगा डैश 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 इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्लैंक स्पेसेस, जो कि मैंने कहा रिक्त स्थान। बट रिक्त स्थान तो वो होगा जो खाली है। तो जब आप किसी की बात सुने, चाहे वो प्रिटेंड्स टू बी इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आल्सो लाइक मी, उनकी बात को सुनते हुए अपनी समझ नहीं छोड़नी है। जो आपकी समझ है, जो आपका एक्सपीरियंस है और जो लिटरल मीनिंग है बातों का, वो पहले समझिए और फिर उस पर एक्ट कीजिए, रैदर देन दूसरों ने क्या कहा है, अब तक क्या होता रहा है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, ये सब चीजें अपनी लिसनिंग में मत आने दीजिए। यार इसका फोन नहीं अभी उठाना, ये बहुत लंबी बात करता है, ये पास्ट एक्सपीरियंस है जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस में इंटरफियर कर रहा है। डू यू नो इसको कैसे चेक कर सकते हैं? फोन उठाया, देखो मैं काम के बीच में एबीसी तुम्हारा फोन उठा रहा हूँ, अगर तो लंबी बात करनी है तो मैं शाम को 5 बजे के बाद फ्री होके कॉल करूंगा, अगर अभी कोई जरूरी छोटी बात करनी जल्दी बताओ, नहीं तो भैया बाय बाय। दिस इज हाउ यू कैन चेक इट, राइट? और उसमें ये भी होगा कि आपने उनका फोन उठा लिया, दूसरा पर्सन बुरा नहीं मान रहा है, इतना छोटा सा एफर्ट है आपकी तरफ से और कुछ नहीं है। पर क्या होता है, हम ये ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी कि मैं अपने फीलिंग्स इमोशंस क्यों बताऊं, कि मेरे को खिजमत जाती है, भाई तुम्हारा इतना लंबा फोन होता है काम रह जाता है, ये मैं क्यों बताऊं? बट कनेक्शन इज व्हाट कम्युनिकेशन इज। अगर हम ये चीजें थोड़ी सी अपना लेंगे ना, कम्युनिकेशन बहुत इन्फ्लुएंशियल हो जाएगी। लेट्स लुक एट द थर्ड वन, क्या है ऑड मैन आउट? यहाँ से कोई लेडीज बताएं प्लीज। किसी ने बेबी बुल करा है? किसने बेबी बुल करा है? अच्छा क्यों करा है बताए मैम, छोटा है? हाँ छोटा है ना, छोटा है। किसी और का कोई और रीजन? अच्छा रिपीट हो रहा है, बीबी बीबी, सॉरी बीबी बीबी रिपीट हो रहा है इसलिए, राइट? और पता नहीं चल रहा लेडी है कि मेल है कि फीमेल है, राइट? हाँ किसी ने पापा बोल करा है? किसी ने मम्मा बोल करा है? हाँ मुझे आप बताओ क्यों करा है मम्मा बोल? हाँ सोचा कि मेल हो सकता है इसलिए, हाँ मम्मा बोल। आप बताओ यहाँ पे भी किसी ने मम्मा बोल को एमबी को करा है ना, मम्मा बोल क्यों करा है? फीमेल है और बाकी दोनों आपका लगा मेल है? वेरी गुड, मैंने आपको मिसलीड करने की कोशिश करी,
ये बोल के कि बुल एक स्पीशीज है, जबकि बुल एक जेंडर है, स्पीशीज तो काम है। तो एक मादा नर कैसे हो सकती है, मम्मा बुल कैसे हो सकती है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट। तो अगर किसी की भी बात सुन रहे हैं, चाहे वो पर्सन आपको क्विज़ी क्यों ना दे रहा हो, जिसको ये पता है कि भैया सारे आंसर्स क्या है, आपने तब भी उनकी बात ऐसे नहीं सुननी कि आपको अपनी समझ छोड़। ठीक है, दिस इज द थर्ड रूल ऑफ विजडम। लेट्स लुक एट द फोर्थ वन। कौन कौन से शब्द बनाए? वहां पे पीछे से जो दो लेडीज बैठे हो, बताओ मैम। ओके, आपने क्या बताया? कोई नहीं बनाया अभी। अच्छा ठीक है, आप बताएं सर, आपने क्या बनाया? डोर्स एंड पॉड। ओके, यहाँ से इसीलिए देखा है टू वर्ड्स DWORDS, टू वर्ड्स की स्पेलिंग है, राइट। तो इससे पहले आप इसे कॉम्प्लिकेट करो, जो आप सुन रहे हो उसको इजी रखो, उसको सिंपल रखो। Two words actually. तो जब हम किसी की बात सुन रहे हैं, हम सबसे पहले सोचते हैं कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्यों? क्योंकि आपको लगा ये क्विज है। नहीं, ये सिंपल भी हो सकता है। हमेशा जो भी आप सुन रहे हो उसको सबसे पहले सिंपली इंटरप्रेट कीजिए, उसके बाद देखिए कि अगर नई बात बन रही है तो उसको कॉम्प्लिकेट करें। ठीक है, तो इन चार क्विजेस से, चार चीजों से हमें चार प्रिंसिपल्स मिले इससे, राइट? अब हम एक ना आगे बढ़ते हैं और जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। सो हाउ कैन यू यूज इन्फ्लुएंस थ्रू वर्ड्स? ओके, ये चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अपने बोलने में, जिससे कि आपका इन्फ्लुएंस क्लासरूम में बेटर हो। यूज इफ एंड व्हेन। अगर तुम ये समझ जाओगे तो अच्छा स्कोर करोगे, बच्चे का पहले ही मोरल लो हो गया। जब तुम ये समझ जाओगे तुम स्कोर अच्छा करोगे। सो देयर आर फ्यू वर्ड्स व्हिच आर पॉजिटिव इन नेचर एंड सम आर नेगेटिव इन नेचर। अगर पता नहीं समझोगे कि नहीं, जब इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। सो ऐसे आपको वर्ड्स यूज करने हैं एंड सपोर्टिव बॉडी लैंग्वेज यूज करनी है, जिससे बच्चों को वैसे ही इंटरनली ही प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले। So there are many such words, advantage, benefit. Advantage, जब हम देखते हैं किसी और के comparison में क्या फायदा हो रहा है। Benefit, वैसे ही सबके लिए फायदेमंद है, किसी और के साथ compare कर ही नहीं रहे। तो आपको अपनी communication इसी प्रकार से positive करनी चाहिए। Expected results उनकी तरफ project कीजिए। अगर ये वाला chapter समझ लिया ना, तो इस पर project भी बना सकते हो और lab के viva के full marks मिलेंगे। So this is how you show them expected results. पिछले 5 सालों से इस चैप्टर में से 3 questions आ रहे हैं, इसलिए इसको ढंग से पढ़ लेते हैं। So this is how expected results आप उनके लिए क्रिएट करें। नेगेटिव क्यूरियोसिटी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मुझे नहीं पता कितना समझोगे, पर अगर समझ लिया तो अच्छा स्कोर करोगे। यूज येस टैग, है ना? आज हम चलो ये वाला ना इतना कंप्लीट कर लेते हैं, है ना? सब समझ, सब मेरे साथ में है कि नहीं? So, है ना को, isn't it, ऐसे yes tags को मना करना बहुत मुश्किल। So, इसलिए आपको ऐसी बातें, ऐसे phrases अपनी बातचीत में, रोजमर्रा की बातचीत में ज्यादा include करने चाहिए, जिससे students भी आपके साथ सहमत हो जाए और उनके लिए सहमत होना आसान हो। Am I moving forward? Yes. Another aspect, important aspect is, आप please जरूर कहानियाँ और एग्जाम्पल यूज कीजिए रियल लाइफ से। जैसे मैं आपको अभी अपने बच्चों के बारे में, ड्राइवर के बारे में बता रही हूँ कि कैसे हो रहा है मेरे साथ। सो दीज थिंग्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, मोर एनलाइवनिंग। उन बच्चों को भी पता चलता है कि जो वो टेक्निकल चीजें पढ़ रहे हैं उनका रेलिवेंट क्या, तात्पर्य क्या है, एवरी डे लाइफ में हम यूज कहाँ करेंगे। जैसे मेरे बेटे ने बोला वो अकाउंट्स पढ़ते हुए, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड में यूज कहाँ करने वाला हूँ? क्या मैं बैठ के किसी में कहा बैंक की नौकरी तो नहीं, पर जब आप अगर अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और अपने ITR फाइल करेंगे, तब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके अकाउंटेंट ने करके दिया है वो सही है कि नहीं। सो ये छोटी सी बात उसे कहने से उसको समझ आ गया कि उसको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से पता होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू मेक
थिंग्स रेलेवेंट फॉर योर स्टूडेंट्स. डिफिकल्ट पॉइंट्स को हैंडल करने के लिए पेशेंस नहीं छोड़ेंगे. आप कोशिश करेंगे कि बच्चों को उनके पीयर्स से ही पता चल जाए. पीयर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ग्रुप्स बना दीजिए जिसमें अंदर एक बड़ा एक बच्चा वो हो जो होशियार है और उसको ना एक लीडरशिप फीलिंग भी आने लगती है तो ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं. उनके आसपास दो तीन और बच्चे जोड़ दीजिए, उनका ग्रुप बना दीजिए जिसको आप स्टडी ग्रुप कह सकते हैं. और जो डिफिकल्ट पॉइंट है, जो आपको लगता है कि कम समझ वाले बच्चों को तो समझाना ही बहुत मुश्किल है, वो आपने चार या पांच इंटेलिजेंट बच्चों को समझा दिए जो कि आगे अपने पीयर्स को समझाएंगे. और फिर आप क्लासरूम में मिले तो आप पूछे कि क्या सबको समझ आया है कि नहीं. अगर किसी एक बच्चे को डाउट है तो आप पूछे आपका ग्रुप लीडर कौन है, वो भी खड़े हो जाए. फिर पूछो कि क्यों नहीं समझ में आया. फिर उसी टाइम दूसरे ग्रुप लीडर्स भी शेयर कर सकते हैं, बच्चे शेयर कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे समझा. एंड दैट इज हाउ हैंडलिंग ऑफ पॉइंट्स बिकम्स ईजियर. आप ये व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी कर सकते हैं पूरा प्रोसेस. एंड इट कैन ऑल्सो बी डन थ्रू सोशल मीडिया विच आई टॉक अबाउट इन माई नेक्स्ट सेशन वेन आई कम ऑन वेनसडे. ओके, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे बच्चे के साथ. वो छोटा है, उसको समझ नहीं आ रही, ना समझ है, जबरदस्ती जिद्दी है, लेट इट बी. आप बोलो आपका मन नहीं है पढ़ने का, बाहर चलो, कोई बात नहीं, आपको अटेंडेंस ही मिल जाएगी. पर उसको माहौल नहीं खराब करने देना है हमारा. हम किसी हद तक ही हम दूसरे का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, पर अगर हम अपनी लाइफ का मिशन ये बना लें कि मैंने दूसरे का बिहेवियर चेंज करके ही रखना है पर्सनैलिटी, तो हम अपने लाइफ का मिशन भूल जाते हैं, पर्पस विच इज एजुकेटिंग. राइट, जहां तक वो एजुकेशन के आड़े आ रही है वो हैबिट या पर्सनालिटी ट्रेट, तब तक उसे चेक कीजिए, उसके बाद उस पर काम करना बंद कर दीजिए, उनको रिमूव कर दीजिए फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट. अवॉइड पुलिंग डाउन स्टूडेंट्स. ऑफकोर्स वो आप सब अच्छे हैं, पर गलती से भी किसी का मजाक ना उड़े. और लिसनिंग हम बेटर कर सकते हैं, लाइक आई जस्ट शेयर्ड विद यू, यू कैन प्रैक्टिस विद योरसेल्फ एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर लिसनिंग. ओके, ये एक एक्टिविटी करते हैं. आपको राइटिंग पैड्स दिए हैं ना, एक एक शीट, रफ शीट या प्लेन शीट, उसमें से फाड़ लीजिए प्लीज. ओके, अब सब लोगों ने बहुत ही सिंसेरिटी और ऑनेस्टी से अपने आंख बंद करनी है ना. और जो जो मैं बोलूंगी वैसे वैसे पेपर को फाड़ना है. पेन छोड़ दो, पेपर हाथ में पकड़ लो. एक दूसरे को दिखा दो, सेम शीट है सभी की. राइट, आंखें बंद. अब जो जो मैं बोलूंगी उसे ध्यान से सुनना. इस पेपर को हाफ में फोल्ड कर लो प्लीज. हाफ में फोल्ड करने के बाद टॉप लेफ्ट का कोना गोलाई में काट लो. टॉप लेफ्ट कोना गोलाई में काट लो. यस, कोना फेंक दो. अब इस पेपर की शीट को फिर से आधे में फोल्ड कर लो. और अब टॉप राइट कोना गोलाई में काट लो. अब इसको फिर से आधे में फोल्ड कर लो. अब आपने बॉटम का लेफ्ट कोना गोलाई में काट लेना है फोल्ड करने के बाद. वेरी गुड. अब आप अपनी आंखें भी खोलिए और पेपर की शीट भी खोलिए और एक दूसरे को दिखाइए. ऊपर ऐसे करके दिखाओ अच्छे से. ये ऐसे क्यों है, किस सारे का डिफरेंट है क्या? देखो, घुमाओ शक्ल, सिर घुमाओ, देखो अलग है ना. ऐसे क्यों है अलग? मैंने तो सेम चीज बोली थी सबको. राइट, हाथ नीचे. इसका मतलब ये है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से दूसरों को देख के बहुत कुछ चीजें सीखते हैं और समझते हैं, है ना. अगर मैं आपको बोलती आंखें खुली रखो और आप फोल्ड कर रहे होते, आप डाउट में होते, एकदम से कौन साथ वाले को देखते हैं, बाजू वाले को, इधर वाले को, उधर वाले को, ये कैसे कर रहा है. ऐसे करके आप सबका एक जैसा हो जाता है क्योंकि आप सब एक दूसरे के जैसे करने लगते. राइट, सो आप क्लासरूम कम्युनिकेशन में भी बॉडी लैंग्वेज को इग्नोर मत करना, ठीक है. अगर क्लासरूम में आपको ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको नॉन वर्बल क्यूज कैसे मिल रहे हैं. ये 93% है ऑफ कम्युनिकेशन. शब्दों का खेल सिर्फ 7% है कम्युनिकेशन में. बाकी 93% है कि ऐसे करके बैठे हैं. मेरे सेशंस में तो ऐसे करके बैठने पे फाइन लगता है 200 रुपए.
हाँ ऐसे करके आप बैठ सकते हो, पर ऐसे करके तो फिर आप धीरे धीरे कुर्सी पर आराम से, और कब आप सो गए खुली आंखों के साथ ये भी पता नहीं चलेगा। बहुत बच्चे भी सोते हैं खुली आंखों के साथ, मैं खुद सोती थी छोटे होते खुली आंखों के साथ, राइट, ध्यान कहीं और चले जाता है। इन सब चीजों को अवॉइड या डिनाई नहीं करना है, ये होंगी तो आपने फिर कुछ ऐसा कर देना है क्लास में, कुछ भी छोटा मोटा रिवाइज कर लो, खड़े होके पढ़वा दो बच्चों को कि चलो अब हम रीडिंग करते हैं। आपको लगता है बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, चलो इसको चेंज करते हैं, इसको हम इनको इन्वॉल्व करते हैं। सो इस वजह से आप नॉन वर्बल जो बॉडी में भी कम्युनिकेशन रुक गई है, आप उसको भी एनकरेज और फिर से इंक्लूड करेंगे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो लेट्स होप ये अब यहाँ पे राइट किया गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए आपको अच्छे से ड्रेस होना है, आप लोग सब बहुत अच्छे से ड्रेस होकर आए हो, ऐसे ही ड्रेस होना है, यू मीन बिजनेस, ऐसे पहुंचना है कि भाई आज तो हम जंग फतेह किला फतेह करने के लिए आए हैं, ऐसे ही पर्पस से और ऐसे ही बॉडी लैंग्वेज के साथ आपने क्लासरूम में एंटर करना है। ऐसे नहीं कि दूसरों को खौफ में डाल देना, ऐसा वाला नहीं, बट ऐसा कि हाँ मोटिवेटेड है और गोल ओरिएंटेड है। अपनी बॉडी को ऐसे प्लेस करना है कि वो आपको देख सके। कभी भी आपकी पीठ आपके स्टूडेंट्स की तरफ नहीं होनी चाहिए, कि अगर आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिख रहे हैं तो बीच बीच में ऐसे देखते रहे। मैं आपको बताऊंगी कि आप ब्लैक बोर्ड को ना तीन हिस्सों में जब डिवाइड कर लेंगे तो आप बहुत देर तक ऐसे नहीं लिखते रहेंगे तो आपकी पीठ नहीं होगी। छोटे छोटे तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आप थोड़ी देर के लिए इतना से डिस्टेंस लिखेंगे और कुछ सेकेंड्स के लिए आपकी पीठ बच्चों की तरफ होगी। अगर मैं यहाँ पे खड़ो के ऐसे ही बोलने लग जाऊँ इमीडिएटली द बॉडी लैंग्वेज हैज चेंज, है ना, मेरे फेस का एक्सप्रेशन वॉइस का एक्सप्रेशन कुछ नहीं चेंज हुआ, पर मेरे हाथ यहाँ रखने से ही मेरा कनेक्शन आप लोगों के साथ कम हो गया। अगर ली में नहीं कर रही हूँ, राइट, ओपन पाम मूवमेंट्स आर वेरी हेल्पफुल। और ऐसे करके जब आप हाथ रखते हैं तो इससे आप दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें कि भाई मेरी बात सुनो, आई मीन बिजनेस, राइट। उसके अलावा स्माइल होनी चाहिए पोलाइट, क्योंकि जैसे आपके चेहरे पे स्माइल होगी दूसरों के चेहरे पे भी आ जाएगी। पढ़ाई कोई दुविधा या दुख की बात नहीं है, इंजॉयमेंट की बात है, इससे हमारा फ्यूचर बन रहा है, राइट। पर अगर आपको लगता है थोड़ा सा स्माइल करने से बच्चे बहुत वो ढील ले लेंगे एंड दे विल नॉट लिसन टू यू, ऐसा नहीं होगा। आप पोलाइट स्माइल रखिए, पर आप बोलिए कि नहीं ये सही बात नहीं है, ये ठीक नहीं है, मैं अगर खुश मिजाज से आपको पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका फायदा उठाएं, प्लीज अपने आप में रहें। ऐसे करके आप उनको भी मदद कर रहे हैं टू स्माइल, अदरवाइज हम लोग स्माइल नहीं करते। मैंने ये बाहर जब मैं रही थी एक डेढ़ साल तब मैंने सीखा, वो लोग तो स्ट्रेंजर्स को देख के भी स्माइल करते हैं, हम इंडिया में नहीं करते। उस वजह से हम ना यहाँ से टेंशन में भी रहते, हमारा जबड़ा जॉज लॉक होते क्योंकि हम स्माइल नहीं कर रहे हैं, जॉज लॉक हो, यहाँ पे स्ट्रेस है, इमीडिएटली आप फील करेंगे। जैसे ही स्माइल करेंगे यहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा और आपका ब्रेन आपकी बॉडी का 80% ऑफ एनर्जी यूज करता है। वहां पे ऑक्सीजन वाला ब्लड ज्यादा पहुंचना चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पे लूज रखना पड़ेगा मामला पे, क्योंकि मामला ऐसे सख्त है, ऊपर नहीं जा रहा है ब्लड ऑक्सीजन वाला, राइट। सो अपने फायदे के लिए थोड़ा सा यहाँ पे पोलाइट स्माइल रखिए, इस एरिया को स्ट्रेस फ्री रखिए, देन यूज मूवमेंट। मैं भी तो आज ही जा रही हूँ, राइट, और क्योंकि वो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स है इसलिए मेरे को वहाँ खड़ा होना पड़ रहा है, नहीं तो मैं यूजली ऐसे ही मूव करते हुए ही सेशन लेती हूँ, जिससे मेरा सबके ऊपर नजर रहे, सबको मेरे बारे में भी पता रहे और मेरी कनेक्टिविटी हर एक के साथ रहे, ओके। सो आपने भी मूवमेंट्स यूज करनी है जितनी आप कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप इट वर्क्स। हाँ, प्रोजेक्ट एक्साइटमेंट एंड एनर्जी, जैसे मैंने बोला दुविधा या दुख की बात नहीं है, तो आपको खुशी के साथ एक्साइटमेंट एनर्जी के साथ, एक कोच को देखा है बच्चे क्यों खेलने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि उनका कोच ऐसे आता है भागते हुए ना, ऐसे ऐसे चलो चलो एनर्जी के साथ हाई फाइव, ये सब इतना ज्यादा मैं करने को नहीं कह रही हूँ, बट ऐसे भी मत आओ कि पिछले साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं करा, यहाँ बताओ यहाँ शुरू हो गए, चलो बच्चे बैठ जाओ आज हम ये पढ़ेंगे, तो वही नहीं वाला सुनने वाला, ऐसे नहीं होना चाहिए। समवेयर इन बिटवीन यू शुड मीट, ओके। उसके बाद प्लेसिंग योर बॉडी, ये रिपीट हो गया, लास्ट कॉर्नर्स और कॉलम्स पे भी ध्यान होना चाहिए। सो जब आप मूवमेंट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि पीछे कोनों में साइडों में क्या हो रहा है।
आप जैसे अभी मैंने आप लोग का बैग का चेंज कराया था, तब भी वैसे ही बैठे लेडीज, यही बैठे और जेंटलमैन यही बैठे, मुझे था कि मिक्स होके बैठ जाएंगे, उल्टा यहाँ पे दो लेडीज बैठी थी, वो बेचारी नीचे जाके बैठ गई. इट शुड हैव बीन इंटरमिंगल, पर कोई बात नहीं, मेरे पास समय भी कम था तो मैंने इसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया. बट यू कैन डू दैट, यूज दैट एज एन एक्टिविटी टू ब्रेक दी एनर्जी इन द रूम. बच्चों की एनर्जी चेंज करने के लिए आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं. चलो अपने बैग्स वही रहने दो, किताबें उठाओ और चेंज कर लो, अपनी रो चेंज कर लो बस अभी के लिए, इस सेशन के लिए, इस क्लास के लिए. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. ये जो रोस्ट्रम है इसको आपने ऐसे यूज करना है, अगर कभी यूज करें एज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, फॉर दैट मैटर लैपटॉप भी, और अगर मैं ये पेपर भी यूज कर रही हूँ, इट शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ माई बॉडी. जहां मैं इसके साथ ऐसे खेलने लग गई, मैं इसके ऊपर लीन करने लग गई, या मैं लैपटॉप के अंदर खूब घुस गई, तो इट इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ माई बॉडी. ये एक आउटसाइड ऑब्जेक्ट है जिसको मैं यूज कर रही हूँ, आई एम नॉट मेकिंग इट माई ओन, राइट. अगर मैं ऐसे करके खड़ी हो रही हूँ तो मेरे हाथों के आगे से रोस्ट्रम, ये पोडियम निकल रहा है, ऐसे लग रहा है ना. सो हम पूरा एक यूनिट लग रहा है, पर जैसे ही मैं इसके ऊपर लीन करती हूँ, मैं अलग दिख रही हूँ और रोस्ट्रम अलग दिख रहा है. दिस पोडियम इज लुकिंग डिफरेंट, सेपरेट, राइट. सो जब आप यूज भी करें कुछ भी, पेन भी अगर आपके हाथ में हो, वो क्लिक क्लिक नहीं होना चाहिए, वो पेन भी आप ऐसे यूज कर सकते हैं, दैट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी. तो जैसे ये पेन है, इसको अगर मैं ऐसे ऐसे करती रहूंगी तो दिस इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ माय बॉडी, बट इफ आई यूज इट लाइक दिस और इफ आई यूज इट लाइक दिस, है ना, ये मेरे बॉडी का एक्सटेंशन हो गया. मैं इसको इधर से इधर हिला रही हूँ, ऐसे लग रहा है मेरे हाथ ही और मेरी उंगलियां ही हिल रही है, राइट. This is how you should use anything that is used as a, an object to bring about more information or more learning in your classroom or sessions. इन चीजों का आपको ध्यान रखना है. चेयर के ऊपर लीन ऑन नहीं करना है, अपनी चेयर के ऊपर लीन करके नहीं बैठना है, तो उससे पता चल जाएगा कि आप you are not using them, you are not occupying them. ऑलराइट, हाँ, ये वाली एक्टिविटी हमें अवॉइड करनी पड़ेगी क्योंकि हम समय का तकाजा है. बट ये हम बात करते हैं, चेक जेस्टिकुलेशन एंड फ्लेलिंग आर्म्स. कुछ ज़्यादा जेस्चर्स ना कर रहे हो, मूवमेंट करते हुए स्टेयर नहीं करना किसी बच्चे की तरफ, जब तक उन्हें डराना नहीं चाहते, पर वो भी थोड़ा सा पॉज लेके ऐसे स्टेयर करें. जैसे गुस्से वाला स्टेयर, कभी मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है, वैसे गुस्से वाले स्टेयर की बात. अब घर में बाद में उसे बैठ देगा, आंखें कहाँ है मम्मी की, ना कहाँ देख रही है, कैसे देख रही है, गुस्से से पता चल जाता था कि आज खाने को मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है. अपने कमरे में ही रहो या बाहर आओ. सो दोज काइंड ऑफ लुक्स, दैट इज समथिंग ऑफकोर्स आप नहीं करते, बट आप यूज भी कर सकते हैं. लुकिंग आउट आउटसाइड द क्लास रूम और समवेयर एल्स और आउटसाइड द गेज, ऊपर देखना इधर उधर देखना वो भी नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आपने कनेक्शन तोड़ा या जैसे ही आपने कैमरा की तरफ नहीं देखा, कैमरा के अलावा देखा, तो बच्चों का भी ध्यान इधर उधर बिखर जाएगा. एंड आर्टिफिशियल लुक नहीं रखना है कोई भी. अगर स्माइल कर सकते हैं पोलाइटली जेंटली तो करिए, नहीं कर सकते तो नॉर्मल रिलैक्स फेस रखिए. जैसे मैंने अगर आपको कहा है कि पोलाइट स्माइल होना चाहिए, ज़बरदस्ती का स्माइल मत रखिएगा. ओके, ये वाली एक्टिविटी हमें स्किप करनी पड़ेगी. दैट्स बिकॉज, यस मैम, आई एम जस्ट वाइंडिंग अप. There's an important part that I want to share. Yes. Use of aids and media. Writing board. Let's take this as an example of writing board. Chalks bhi yahan pade hain. Let's see. So agar aapko writing board use karna hai, usko shuru mein hi aap hamesha bhi ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए. इतना बड़ा है राइटिंग बोर्ड, या फिर यूजुअली इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, यहाँ तक ही होता है, है ना. आप हमेशा उसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, राइट. आप कोई भी नया टॉपिक या कुछ भी बात कर रहे हैं बच्चों से, उनके पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, जो भी वो बोल रहे हैं इस तरफ नोट डाउन करेंगे, ठीक है. उसके बाद आप कुछ भी लिखना या एक्चुअली उनके साथ शेयर करना शुरू करें, कोई इक्वेशन सॉल्व करना है कुछ भी, वो आप यहाँ से शुरू करें. यहाँ से आप जो जो पॉइंट लेते जा रहे हैं उसको ऐसे टिक करते जाएं, तो बच्चे को भी रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कि मेरा दिया गया पॉइंट इंप्रूव हो गया, राइट. सो यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे,
उसके बाद हम यहाँ से नए पेज जैसे होते हैं वैसे शुरू हो जाए। तो जो स्लो लर्नर्स है वो यहीं तक रहेंगे और जो फास्ट लर्नर्स है वो डिसएंगेज नहीं होंगे क्योंकि वो आपके साथ यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। और जब ये पॉइंट्स कवर हो गए या इनकी जरूरत नहीं है आप ये क्लीन कर लीजिएगा और फिर ये वाला पोर्शन भी यूज कर सकते हैं। अब ऐसा लिखने में सपोज मैं ऐसे ऐसे लिख रही हूँ, मैंने दो लाइन लिखी, मेरा बैक आपकी तरफ 7 या 8 सेकेंड्स के लिए था। अगर मैं ये पूरा यहाँ से शुरू करूंगी, एक तो मैं लेंथ नहीं मेंटेन कर पाऊंगी, स्ट्रेट नहीं मेंटेन कर पाऊंगी और मेरा बैक मेरे स्टूडेंट्स की तरफ बहुत ज्यादा हो जाएगा, सभी को विजिबिलिटी नहीं होगी, सभी की एंगेजमेंट नहीं होगी। सो दिस इज अ बेटर वे टू यूज योर व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, ठीक है। इस तरीके से यूज कीजिए और साइमल्टेनियसली सभी को आप एंगेज रख सकते हैं। ऑलराइट, आगे चल रहे हैं ना हम। हाँ, स्लाइड प्रेजेंटेशंस कम होनी चाहिए, उसके अंदर और सारी एक्टिविटीज और टेक्स्ट और ऑडियो विजुअल होना चाहिए। यहाँ पे जो है स्लाइड प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट वो स्पीकर के लिए हिंट है। अगर सब कुछ यहाँ से पढ़ के वो ग्रास कर सकते तो मेरी जरूरत नहीं, आप यहीं से पढ़ लो, मेरी क्या जरूरत है, आप कर लो फिर, राइट। इट शुड बी लाइक दैट, ये आपके लिए हिंट्स हैं ऑन द स्लाइड्स, इसके ऊपर ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। वेरी क्विकली आई विल वाइंड अप। आपको वीडियोस और एनिमेशंस इंक्लूड करना चाहिए जितना हो सके, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट है तो इंक्लूड कीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप में शेयर कर दो वीडियोस, व्हाट्सएप में लिंक्स शेयर कर दो, जिससे कि बच्चों को फर्दर रिसोर्सेज या किसी और तरीके से पढ़ने का मौका मिले, समझने का मौका मिले। ऑडियो क्लिप्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, अगर वीडियो नहीं है अपने मोबाइल पे ही प्ले करके उन्हें सुना सकते हैं। उससे क्या होगा कि जैसे मेरी आवाज ही आपको बार बार सुननी पड़ रही है, उसके अलावा एक ब्रेक हो जाएगी मोनोटनी, वो किसी और की आवाज भी सुन पाएंगे। एंड अगर आर्टिफैक्ट्स वगैरह आप लेकर आ सकते हैं लेकर आइए और उसे इंक्लूड कीजिए क्लासरूम में, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ये नहीं हिल रहा है मैम, आई एम सो सॉरी, ये हिल नहीं रहा है, कुछ कुछ हो जाता है गैप, यहाँ पे हिलने लगती है स्लाइड, यहाँ पे नहीं हिल रही होती है। उसके अलावा आपको फीडबैक का ध्यान रखना है, फीडबैक आपने जरूर लेना है बच्चों से, बट ये कोशिश कीजिए कि वो आपके पीछे पीछे क्लासरूम के बाहर स्टाफ रूम तक आपको फॉलो ना करे, बिकॉज दैट इज द टाइम विच विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेशन। डू नॉट इन्वाइट स्टूडेंट्स फॉर फीडबैक और इंटरेक्शन इन द स्टाफ रूम ऑल्सो, क्योंकि वो आपकी सैक्रोस्केंट, आपकी अपनी जगह है जहाँ पे बच्चों का आना जाना अलाउड नहीं होना चाहिए, ओके। एंड फीडबैक जरूर लेना है, फीडबैक लिए बिना कम्युनिकेशन पूरी तरह कंप्लीट नहीं होगी, राइट। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग एंड यस, इफ देयर एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर सिटिंग विद मी फॉर सो लॉन्ग।